हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट और स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि जो हमारा एडसेंस का अकाउंट होता है उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे करते हैं, हमने आपके सामने हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया था और ये कहा था कि अब इसका जो मेल आएगा तो हम आगे की वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने हमारी गूगल एडसेंस की आइडेंटिटी का वेरीफिकेशन किया था, जिसमें हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड सबमिट किया था और उसके बाद हमें कहा गया था कि बस कुछ ही समय में आपके पास एक मेल आएगा जिसमें आपका अकाउंट वेरिफिकेशन की आपको जो भी सूचना रहेगी वो आपको मेल के द्वारा दी जाएगी। तो हमारे पास उसका मेल आ चुका है, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं उस मेल में क्या लिखा हुआ है और आगे हमें अब क्या क्या प्रोसेस करनी होगी। तो चलिए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास जो मेल आया उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे गूगल में, वहाँ पर हम जीमेल ओपन करते हैं। हमारे यहाँ पर पासवर्ड लगेगा, पासवर्ड हमने डाल दिया है, अब ये ओपन हो रहा है। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आई है। देखिए, ये हमारा जो पहला ईमेल है ये हमें कल मिला था, तो हम इसे ओपन करते हैं। ये देखिए, ये हमें कल आया था 2:35 पर। हो सकता है कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से ये लेट आया, लेकिन दरअसल ज़्यादातर ये होता है कि जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो 5 से 10 का समय आपको लगता है, इसके अंदर ही आपके पास मेल आ जाता है। ठीक है, आप पढ़ते हैं क्या लिखा है। योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड। बहुत बढ़िया, यानी कि हमारी आइडेंटिटी वेरीफाइड हो चुकी है। तो मैं इसको पूरा आपको फटाफट से समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, आपको हिंदी में भी समझ आना चाहिए। इसे हम ट्रांसलेट पर डालते हैं और पेस्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है आपकी पहचान सत्यापित कर दी गई है। यदि आपने पहले ही ऐसा नहीं किया तो कृपया अपने गूगल एडसेंस खाते में साइन इन करें और एक प्राथमिक भुगतान विधि सेट करें। आपकी डेटा सुरक्षा और गोपनीय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गूगल आपकी जानकारी को सुरक्षित सर्वर पर ही संग्रहित करता है, इसे कभी भी साझा नहीं करता हमारे यहाँ, निर्दिष्ट सीमित परिस्थितियों को छोड़कर। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो हमारी आइडेंटिटी वेरीफाइड वेरिफिकेशन के लिए हमने दिया था वो बिल्कुल वेरीफाई हो चुकी है, अब हमें जो अगले एक और कदम है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, यानी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे गूगल एडसेंस पर और देखते हैं वहाँ पर क्या अपडेट हुआ है। ये हमने एडसेंस ओपन किया, साइन इन पर क्लिक करें। अब हमारा एडसेंस ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए हमारे एडसेंस का होम पेज लोड हो रहा है। ये देखिए, ओपन हो चुका है। ये हमारे एडसेंस का होम पेज ओपन हो चुका है। देखिए, अब यहाँ पर कुछ अलग से लिखा हुआ रहा, योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। कल यहाँ पर लिखा हुआ था यू नॉट वेरीफाइड योर आइडेंटिटी, अब यहाँ पर लिखा आ रहा है नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। तो जैसे ही हम एक्शन पर क्लिक करते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी जानकारी, ठीक है, यहाँ पर मोस्ट रिसेंट पिन वाज July 16, 2019 जनरेटेड, यानी जो हमें जो एडसेंस जो पिन सेंड करेगा वो 16 तारीख को यहाँ पर जनरेट किया जा चुका है, इस पते पर हमें सेंड किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है और यहाँ पर योर पिन विल बी सेंड बाय पोस्ट 3 to 5 days, यानी 5 days आफ्टर, यानी कि आपको 3 से 5 के बाद यहाँ से पिन सेंड किया जाएगा, जो कि 2 से 4 में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें जो पिन होगा वो यहाँ पर सबमिट करना होगा। ये जो बॉक्स है यहाँ पर हमें पिन सबमिट करना होगा, ये सबमिट बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद हमें हमारे गूगल एडसेंस से हमारे अकाउंट को लिंक करना होगा। और ये नोटिफिकेशन किस चीज़ की हम देख लेते हैं।
ये देखिए उसी के बारे में, जो कि हमारा अभी एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि हमारे पास जब पिन आएगा तो मैं उसका भी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा, और हमारा पिन वेरिफिकेशन हम बिल्कुल इसी वीडियो के जरिए करेंगे। तो चलिए इसे करते हैं क्लोज और आते हैं अपनी वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि हमारे पास जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मेल आया था, उसके बाद अब हमें जो गूगल एडसेंस है उसने हमारी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन तो कर दिया है, लेकिन अब जो हमारा एड्रेस का वेरिफिकेशन है वो हमें पिन सेंड कर करना होगा। यानी कि गूगल एडसेंस हमें एक पिन सेंड करेगा, उसका जो पिन होगा वो हमें यहाँ पर सबमिट करना होगा हमारे सिस्टम पर, उसके बाद हमारे एड्रेस का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो हमारी जो भी पेमेंट की जो पेमेंट मेथड है वो हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे अकाउंट से एडसेंस को लिंक करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने वहाँ पर देखा 3 से 5 दिन मतलब जो प्रोसेस रहती है एडसेंस पिन सेंड करने की, उसके बाद हमारे पास वो पिन आ जाएगा लगभग 15 से 20 दिन के अंदर। उसके बाद हम हमारे सिस्टम पर उस पिन को सबमिट करेंगे, देन हमारे अकाउंट से एडसेंस को जोड़ेंगे। तो आगे जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा इस पिन के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।